हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। आज हम किसी खास मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं जिसके संबंध में कई व्यक्तियों ने मुझसे रिक्वेस्ट भी की है, कई सब्सक्राइबर्स हैं मेरे और कई व्यक्तियों ने पर्सनली कॉल भी की है मुझे। तो आज का वीडियो उन्हीं के आधार पर बना रहा हूँ मैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं और आपने अभी तक इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। अब हम पॉइंट पे आते हैं। आज का हमारा विषय है युवाओं को लेकर, जो कि मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं। फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम, टिंडर वगैरह ऐप हैं, इन ऐप पे आईडी जनरेट करते हैं, उसके बाद में उन्हें कॉल वगैरह आते हैं, न्यूड वगैरह कॉल आते हैं, अपोजिट कोई भी जेंडर हो सकता है, और उसके बाद में उनके कॉल की रिकॉर्डिंग कर ली जाती है और फिर उन्हें धमकियाँ मिलना शुरू हो जाती हैं। अब ऐसी दशा में, ऐसी सिचुएशन में आप किस तरह अपने आप को हैंडल करें, आपको क्या करना चाहिए? अब ये अनजान जो सोना बाबू है, इनसे आपको सावधान तो रहना चाहिए। टिंडर ऐप पे ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, बहुत चीज़ें मतलब सुनने को मिली है, बहुत चीज़ों से सामना करना पड़ा है, इन दिनों देखना पड़ा है। मतलब जैसे लॉकडाउन हुआ, इसमें तो विशेष तौर पर ऐसी समस्याएं मुझे पूछी गई है। एक बार मुझे कॉल भी आया टोंक से, जिन्होंने इस बारे में मुझे संक्षिप्त रूप से पूरी जानकारी चाहिए। एक बार कि आप मुझे बताइए, उसके बाद मैं आपको मैं दोबारा से भी कॉल करूंगा, लेकिन मुझे इस पे कार्रवाई करनी है। तो देखिए, सबसे बड़ा इश्यू है कि आप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो इसका आप सही यूज़ लें। अपने जो मतलब मोबाइल वगैरह हैं, अपनी जो मैसेज का जो लिंक है, किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति के लिंक को एक तो शेयर ना करें। जैसे आपके मैसेज आया, आप मैसेज पे कोई लिंक आया, आप उस पर क्लिक ना करें। अगर आपको लगता है कि ये आप इस व्यक्ति को आप जानते नहीं हो तो उसके लिंक को बिल्कुल टच ना करें। फिर ऐप भी के ऊपर आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं हो, उसकी एक्सेप्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हो तो ये गलत है, क्योंकि इन लोगों का एक ग्रोह है होता है। अब ये लोग पहले आपको एक एज ए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, आप ओके कर लेते हो, फिर आपसे जुड़ जाते हैं, फिर आपके साथ वही न्यूड वाला पूरा खेल हो जाता है। वीडियो आता है आपके पास, एक कॉलिंग आती है, और कॉलिंग में आप फिर न्यूड होते हैं, न्यूड होने के पास उसको रिकॉर्डिंग हो जाती है, अगला व्यक्ति न्यूड हो जाता है, फिर आप पे दबाव डालता है कि ये रिकॉर्डिंग आपके घर वालों तक तो भेजेंगे, क्योंकि आपसे वो लोग फेसबुक के माध्यम से जुड़ जाते हैं और उसके बाद आपके जो भी निजी व्यक्ति हैं उनकी भी पहचान कर लेते हैं कि कौन व्यक्ति इसका निजी है। आपके दोस्तों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं, फिर आप पे दबाव आता है कि इस व्यक्ति को हम भेजेंगे, आपके परिवार के इसको भेजेंगे, इस मेंबर को भेजेंगे। टिंडर वगैरह ऐप है, उसके संबंध में काफ़ी शिकायतें हैं। मैं तो नहीं जानता हूँ, ना मैंने कभी भविष्य में चलाया, ना चलाऊंगा, कभी चलाया नहीं है मैंने आज तक, और ना ही मैं चलाऊंगा। लेकिन मैंने इसके बारे में सुना तो मैं आज के इस वीडियो में, मेरा उद्देश्य यही रहा कि चलो मैं इस पर वीडियो बना देता हूँ कि क्या सावधानी आपको अपनानी चाहिए। जो लोग नहीं जानते, जो लोग जिन लोगों के साथ घटनाएं नहीं हुई है, वो लोग भी देख सके और समझ सके कि हाँ, इन चीज़ों से हमें कोई आफत आ सकती है। तो सबसे जो मैंने अभी सावधानी बताई कि अनजान व्यक्ति के साथ बिल्कुल सोशल मीडिया से आप कनेक्टेड नहीं रहे, और विशेष तौर पर उसने अगर कोई लिंक भेजा है आपको तो ऐसी दशा में आप लिंक को बिल्कुल भी ओके ना करें। अपोजिट जेंडर है आपके, नहीं जानते, बिल्कुल दूर रहे। ये अनजान सोना बाबू है, ये आपको तकलीफ दे सकते हैं। अब बात करता हूँ कि चलो आपके साथ ये घटनाएं हो गई है तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको कॉल आएगा, आपको बोला जाएगा कि ये आपका एक वीडियो है, ये आपके परिजन को भेजेंगे, आप इतने रुपए हमें दो। लगभग आपसे शुरुआत में ज़्यादा पैसे की मांग नहीं की जाएगी, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये आप दे देंगे। उसके बाद में दोबारा से आपको किसी अदर पर्सन से कॉल आएगा कि आपका ये वीडियो है, इतने रुपये दो, क्योंकि ये रुकते नहीं हैं। कई व्यक्तियों ने मुझे कॉल किया है कि साहब मेरे से 3 लाख रुपए ऐड चुके हैं। तो यही कहना चाहूंगा कि ये लोग, आप सोचते हो कि इस परेशानी से हम निकल जाएंगे पैसे देके, तो ये पॉसिबल नहीं है। इन लोगों का गिरोह है, उनका काम पैसा ऐंठना है। तो शुरुआत अगर आपने कर दी पैसा देने से तो थोड़ा उचित नहीं रहेगा। अब स्टार्टिंग में आपसे कम रकम की मांग की गई, उसके बाद ये लोग पुलिस वाले तक से कॉल करवाते हैं जो फर्जी होते हैं, उनसे भी कॉल आता है, कॉल पे कहा जाता है कि मैं इस फलानी जगह से बोल रहा हूँ, ये जगह मेरी है, मैं यहाँ थाने से हूँ, जो भी है, और आपका एक वीडियो है, मैं इसे, आप मुझे इतने पैसे दो वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो होगी, ऐसे डराया धमकाया जाता है, जिसके बदले आप पैसे दे देते हो। एक लंबा पीरियड होता है, उस पीरियड में जैसे महीना भर हो गया, फिर उसके बाद पैसे मांग लिए आपसे, आपके पास अनजान नंबर से कॉल आता है, व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाता है, फेसबुक पर आ जाता है, इंस्टाग्राम पर आ जाता है। तो देखिए, उन इन सब चीज़ों से सबसे पहले तो है कि ये जो मतलब फेसबुक वगैरह इन चीज़ों पे मैंने जो सावधानी बताई उसका आप यूज़ ले, पूरा 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 ध्यान रखें। अब अगर आपके साथ हो गई तो क्या करें? पहले तो ये पैसा नहीं ले जिस प्रकार से मैंने बताया, क्योंकि आपके साथ ऐसा ही होगा।
इस सिचुएशन में आपको क्या है कि जो साइबर थाना है वहाँ चले जाना चाहिए। पूरी बात उन्हें बताए, साइबर थाने से आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि भाई मेरी गोपनीयता रखे, आप मेरे बारे में किसी को बताए नहीं कि भाई मेरा नाम ये है और फलाना फलाना व्यक्ति यहाँ पेपर में छपवा दे, तो ऐसी चीज़ें मेरे बारे में आप थोड़ी सी गोपनीयता रखें, आप इस चीज़ के बारे में कह सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। अब साइबर थाने वाले उन लोगों का पता लगाते हैं और उनके बाद में उन पर कार्रवाई भी होती है। लेकिन होता क्या है, 99% व्यक्ति थाने नहीं जाते हैं, साइबर थाने नहीं जाते हैं इस संबंध में शिकायत दर्ज करने। तो ऐसी दिशा में पुलिस किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है उनके ऊपर। अब दूसरा सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जैसे कोई वीडियो व्हाट्सएप पे आपसे बात हो रही है, फेसबुक पे हो रही है, जो इसकी आपकी जो मैसेजेस की लिस्ट है उसमें जो भी मैसेजेस आते हैं आप डर के डिलीट कर देते हैं, घर वालों से डर के कैसे भी उन्हें सबको डिलीट कर देते हैं। तो इनसे भी आपको जो भी आपके पास एविडेंस होने होते हैं वो सारे एविडेंस आप खो चुके होते हैं। तो आप ऐसा भी नहीं करें, डिलीट नहीं करें किसी भी चीज़ को, जो भी आपका लोकल पुलिस स्टेशंस हैं, जो साइबर थाना मैंने बताया कि आप उसमें जाके कंप्लेन कर सकते हैं, उन्हें आप एज एविडेंस ये सारी चीज़ें बताएं, क्योंकि एविडेंस के बगैर वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आज का इस वीडियो को बनाने का मतलब यही है कि पहले तो आप डरे नहीं, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है बिल्कुल नहीं डरे, थाने चले जाए, थाने वालों को बता दें कि चल मेरी पहचान पहले तो आप गोपनीय रखें, क्योंकि मेरे साथ हो गई, मेरी गलती थी, हो गई, लेकिन आगे से नहीं होगा, क्योंकि आपकी गलती थी तभी आपसे हुआ है ये चीज़ें, आपने भी एक्सेप्ट किया है कुछ ना कुछ, आप भी किसी ना किसी चक्कर में फंस गए हो, आपके मन में लालच था कि हाँ मैं बात करूंगा इससे, आगे व्यवहार करूंगा, तो मन में कहीं ना कहीं आपके भी थी ये चीज़ें और आप जुड़ गए, लेकिन जो गलती आपसे हो गई आगे तो नहीं हो। आगे इन चीज़ों से बचने के लिए आप तुरंत साइबर थाने चले जाए, कंप्लेन करें, निश्चित तौर पर आपकी शिकायत पर कार्रवाई की जाती है। सब पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते, पहली चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ, कई बार ये कहा जाता है कि पुलिस वाले वैसे होते हैं वैसे होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। आप निवेदन करें जाके, आपकी शिकायत पर कार्रवाई होगी। अनजान सोना बाबू से बच के रहे, लास्ट में यही कहना चाहूँगा, वीडियो में जो मैंने गाइडेंस बताया आपको इसका आप पालन करेंगे ये मैं उचित रूप से आपको कह पा रहा हूँ कि अगर आप पालन करते हैं तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। हो गया तो आपको फिर भी रिलीफ मिलेगी इस वीडियो को देखने के बाद, जो भी मैंने बताया उस तरीके से आप इन चीज़ों को देख लें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।